गुड मॉर्निंग बच्चों, पढ़िए इस वीक जान चुकी है विकास बायो वाले सर। लेकिन थोड़ा सा आपसे नाइन्थ क्लास का पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपसे तकल्लुफ है। तकल्लुफ ये है कि जब कोई भी क्लास चलता है सर, नीचे पे बच्चे आते हैं लाइव क्लास में, बोलते हैं सर बायो का वीडियो अपलोडेड नहीं हुआ अभी तक। लेकिन जब मैं अपलोड करके डालता हूँ तो पता चलता है उतने बच्चे देख ही नहीं रहे जितना कि पूरे नाइन्थ क्लास में बच्चे हैं। क्यों वीडियो डालू मैं ऐसा? आप भी मस्ती करो घर पे, हम लोग भी मस्ती कर रहे हैं। आप भी सोचो लॉकडाउन चला, आप भी सोचेंगे लॉकडाउन चला, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, नहीं ना? हाँ, टेंथ के बच्चे थोड़ा सीरियस है तो हम टेंथ के लिए ऑनलाइन आते हैं। आप भी अगर हो कमेंट मारो, मैं अभी के लिए भी आऊंगा ऑनलाइन, भाई क्या दिक्कत है? मगर होता ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे देखे हैं, एवरेज ड्यूरेशन में देखता हूँ मेरा कितना मिनट हुआ, सारा यूट्यूब पे आता है कि कितने बच्चे देखे वो भी आता है, कितना ड्यूरेशन मेरा गया सो भी आता है, टोटल अभी तक कितने टाइम देखा गया सो भी आता है। तो मतलब क्या है भाई, ये हो क्या रहा है? बस एक दो बच्चे के लिए वीडियो बना और सब बच्चे सोए रहेंगे, नींद लेते रहेंगे, लॉकडाउन है चलो लॉकडाउन हो जाए। खैर उसको छोड़ते हैं भाई, वीडियो थोड़ा देखो, बड़ा जबरदस्त चीज हम बताते हैं। देखो आज हम बताएंगे परमानेंट, कि परमानेंट जो होता है, डायरेक्ट समझेंगे परमानेंट मतलब शादी हो गया तो परमानेंट फ्री हो एकदम। तो उसी तरह से परमानेंट कहने का मतलब होता है कि परमानेंट यूज समझाएंगे। तो पहले ये समझना, एकदम मजेदार करके बताएंगे, बिल्कुल बोर नहीं करेंगे, बोरियत नहीं उत्पन्न होने देंगे दिल में, ठीक है? तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यानी परमानेंट टिश्यू कितना बेटा? दो बेटा। परमानेंट टिश्यू कितना बेटा? दो बेटा। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू का भी तीन बेटा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्केलेनकाइमा। फिर से एक बड़ा बड़ा अभी खिदमत पे पेश है, परमानेंट टिश्यू जो होता है उसका दो बेटा हो गया ना, छोटा सा बच्चा पैदा हो गया दो, उस बेटा का नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू का भी तीन बेटा हो गया, एक पैरेन्काइमा, एक कोलेनकाइमा और एक एस्केलेनकाइमा। इतना तो याद हो गया, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड आल्सो कॉल्ड एस्केलेनकाइमा, आल्सो कॉल्ड एस्केलेनकाइमा। अब हम आगे चलेंगे, समझ गया मेरी बात को, बात अगर समझ आइएगा तो अच्छा से खाना बनेगा और भाप भी खा लीजिए। खैर उसको चलते हैं। अब एक कहानी समझो कि मान लो एक तीन स्कूटी है, कितने स्कूटी है? तीन स्कूटी छोड़ दो, समझो तीन घर है, तीन रूम है, और तीन में तीन, तीनों घर में एक कहानी समझ जाओ, पूरा समझ जाओगे मेरा चैलेंज है, दिल खोल कहानी समझो, कॉन्सेप्ट खत्म। आप लोग जानते होइएगा मेरा तब तक तो आपको भी पता होगा। ऐसे समझो तीन घर, कितना घर? तीन घर, तीन रूम, और तीनों रूम में 20-20 बच्चा डालना है। तीन घर है और तीनों रूम में 20-20 स्टूडेंट को डालना है, ठीक? और एक रूम को समझो पैरेन्काइमा, एक रूम को समझो कोलेनकाइमा और एक रूम को समझो एस्केलेनकाइमा। यानी कि इसको पैरेन्काइमा को रूम समझो, कोलेनकाइमा को रूम समझो और एस्केलेनकाइमा को भी एक रूम ही समझो। क्या समझो? एक रूम ही समझो। तो पैरेन्काइमा जो होता है, क्या होता है मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू का तीन बेटा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्केलेनकाइमा, और पैरेन्काइमा जो को समझो रूम। अब इसमें 20 बच्चा को इसमें भी डाला गया, 20 बच्चा को इसमें भी डाला गया और 20 बच्चा को इसमें भी डाला गया। ये तो समझ में आएगा, ठीक? अब बताते हैं, ये 20 बच्चा जो था ये बहुत पतला था, एकदम लिख, ये 20 बच्चा थोड़ा सा मोटा था, और ये वाला बच्चा बहुत ज्यादा मोटा। फिर से समझिए, तीन रूम है, पहला रूम को कहेंगे पैरेन्काइमा, दूसरा रूम को कोलेनकाइमा और तीसरा रूम को एस्केलेनकाइमा। तीसरा रूम को क्या कहेंगे हम लोग? एस्केलेनकाइमा। उसमें कितना बच्चा पढ़ाता है? तीनों में 20-20। इस रूम में एकदम पतला, इस रूम में थोड़ा सा मोटा और इसमें पूरा मोटा। समझना है? अब बताओ, आपसे क्वेश्चन है यहीं पे, और आंसर खुद में दे देना कि इस तीनों रूम में से सब में 20-20 बच्चा है, लेकिन फर्क क्या है? ये एकदम पता था, ये थोड़ा सा मोटा और ये पूरा मोटा। तो आपको यह बताना है कि सबसे ज्यादा
सबसे पतर का जगह सबसे पतर का लोग किसमें था, इसमें। तो इसमें 20 बच्चा था लेकिन पतला पतला, लेकिन जगह खाली रहेगा, इसमें थोड़ा सा कम जगह रहेगा, इसमें जगह ही नहीं रहेगा। ठीक, तब यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा निकाल दे क्या, कि पैरेंट कैमरा जो होता है, अब यही से सुनते जाना, पैरेंट कैमरा जो होता है, पतला थोड़ा सा मोटा और पूरा मोटा। अब यहाँ पे वेरी स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस रहता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस होता है, यहाँ पे आप जाओगे तो थोड़ा सा कम स्पेस होता है, और यहाँ पे स्पेस ही नहीं रहता है। समझ में आ गया, क्यों स्पेस नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मोटा मोटा भरा होगा, तो कहाँ से यहाँ से जगह मिलेगा, यहाँ से जगह कम मिल पाएगा, यहाँ पे जगह कभी रहेगा नहीं, बचेगा जगह। फिर से पहले कैमरा पतला होगा तो इसमें बहुत ज्यादा जगह होगा, कॉल कैमरा थोड़ा सा मोटा होगा तो थोड़ा सा जगह होगा, और स्केल कैमरा बहुत ज्यादा मोटा होगा तो इसमें जगह नहीं होगा। याद हो गया, 9 तक कोर्स इतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। समझ में आ गया, अब चलेंगे आगे, आगे चलेंगे हम आगे। तो पहला सब याद हो गया, थोड़ा मोटा पूरा पतला, थोड़ा मोटा मोटा, जगह बहुत ज्यादा जगह कम, और यहाँ जगह है ही, इतना तो याद हो गया, याद हो गया ना पक्का, ये जिसे कोई दिक्कत, यानी ये थीन, ये थोड़ा सा मीडियम, और ये थिक, ये थिक, ये मोटा, यहाँ टू मच स्पेस, स्पेस यहाँ पे स्पेस होगा, देयर इज नो स्पेस, किसमें, कॉलम कैमरा। तो याद हो गया, ये मतलब पैरेलल कैमरा पतला होता है और जगह होता है, कॉलम कैमरा थोड़ा सा पतला थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा कम जगह होता है, और स्केलन कैमरा पूरा मोटा होता है और पूरा मोटा होता है और जगह नहीं होता। अब हम आगे चलेंगे, अब आगे चलेंगे दूसरा, इसका वर्ड के देखो, द पी से पेन कैमरा, इसका वर्ड होता है पी डबल एस, पी डबल एस, पी डबल एस कहने का मतलब होता है किस चीज में मदद करता है, तो याद रखिएगा पी डबल एस, पी से फोटोसिंथेसिस, एस से सिक्रीशन, और एस से स्टोरेज, पी से फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, एस से स्टोरेज में हेल्प करेगा, और एस से सिक्रीशन में हेल्प करेगा, बड़ा इजी ट्रिक है। अब ये क्या करता है, कॉलम कैमरा क्या करता है, कॉलम कैमरा क्या करता है, कौन ज्यादा लचीला होगा, पूरा मोटका कि कम मोटका कि मीडियम है, सिंपल से जो कम जो जो ज्यादा मोटा होगा, जो ज्यादा पतला होगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो कॉलम कैमरा क्या काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लचीलापन प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आ गया। और कॉलम कैमरा क्या होता है, मोटा होता है, इसीलिए डेड होता है, इतना समझिएगा 9th लेवल के लिए। इसमें से पूछेगा इसमें से कौन बड़ा होता है, तो ऐसा बताओ डेड, डेड कौन होता है, स्केलन कैमरा। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कौन करता है, कॉलम कैमरा। पी डबल एस कौन करता है, तो पैरेलल कैमरा, यानी फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन और स्टोरेज कौन प्रोवाइड करेगा, कॉलम कैमरा। कॉलम कैमरा क्या प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी। डेड कौन होगा, स्केलन कैमरा। याद हुआ ढंग से, और इसके एग्जांपल नारियल का जो होता है ना खुला हल, जिसको कहते हल, वही इसके एग्जांपल है कॉलम कैमरा का। याद हो गया, इतना याद हुआ, कोई दिक्कत। देखो आप लोग ऑनलाइन आते हो लेकिन उतना नहीं आते हो, उतना डिमांड नहीं है, जिसका जिसका रिकॉर्डिंग वीडियो में जिसका ज्यादा होगा डिमांड, उसके लिए हम आएंगे ऑनलाइन। जैसे 10th के लिए ऑनलाइन आते हैं, 11th के लिए ऑनलाइन आते हैं, क्यों ऑनलाइन आते हैं, इसीलिए हम ऑनलाइन आते हैं, इसीलिए ऑनलाइन आते हैं, क्योंकि उन लोग का जो जब हम देखते हैं तो उन लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, कमेंट के थ्रू, वीडियो के व्यू के थ्रू, और लाइक के थ्रू। व्यू में आपको पता है एक 10th का वीडियो में गया है व्यू 750 के आसपास गया है, और जितना भी तो रिकॉर्डेड वीडियो है उसमें 400, 300, 400, 450 ऐसे आता है, और आप लोग का 9th का देखते हैं तो 100 के आसपास रुक जाता है। तो आप लोग नहीं हो इंटरेस्टेड पढ़ने में, हम सोचते हैं रिकॉर्डिंग डाल, तो हम रिकॉर्डिंग कब आएंगे, जब तक वॉचिंग टाइम, मतलब आप लोग कितना जब देखते हो एवरेज, वो भी ड्यूरेशन हम लोग को पता चलता है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड
सोचो इसको हम ऑनलाइन बता दें क्लास में तो कितना मजेदार होता। अब हम ऑनलाइन देखते जो क्वेश्चन डाउट होता है वो पूछ लेते। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कोई भी वीडियो है का उसका उसको देखो, डिग्रेशन को बढ़ाओ, पबजी उबजी पर ज़्यादा ध्यान मान मत दो, भोजपुरी गाना पर ध्यान मान थोड़ा कम दो, कोई फिल्म तो आ नहीं रहा है, तो डाटा को बचाओ, पढ़ाई यूटिलाइज करो। ये बस समझ में आ रहा है, थोड़ा बगल उगल आप सब सब कुछ जो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, खुद करो, चाची को करवाओ, चाचा को करवाओ, मामी को करवाओ, मामा को करवाओ, भैया को करवाओ, भाभी को करवाओ, जो भी है जितना है सब को करवाओ, रेड फ्लैग को बहुत आगे रखो। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं है। और एक बात और भी रिविजन करा दे, रिविजन करा सकते हैं। परमानेंट इशू कितना बेटा? दो बेटा। सिंपल और कॉम्प्लेक्स? सिंपल का कितना बेटा? तीन बेटा। परमानेंट सॉरी पैनल कैमरा, कॉलिंग कैमरा, स्क्रीन कैमरा। पैनल कैमरा क्या होता है? साथ साथ बोलना एकदम पतला, कॉलिंग कैमरा उससे थोड़ा मोटा, और स्क्रीन कैमरा बहुत ज़्यादा मोटा है, डेट रहता है। पैनल कैमरा किस में हेल्प करता है? पी डबल एस फोटोसिक्रीजन और स्टोरेज में। कॉलिंग कैमरा किस में करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीला पर प्रोवाइड करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये न ज़्यादा मोटा होता है न ज़्यादा पतला होता है। और स्क्रीन कैमरा कैसे होता है? वो मोटा होता है, क्योंकि वो मोटा होता है। बस समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, और चलते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट कैसे करें? आप लोग तो स्टूडेंट हो, बस आप लोग से बता रहा है ऑर्डर कैसे दें, बस आपको बता रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा पढ़िए भाई, थोड़ा पढ़ लीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट वमेंट कर दीजिए। और लास्ट में होता हमको ई वाला बटन आता है, उसको क्लिक कर दीजिए, और उसके बगल में शेयर भी आता है, उसको शेयर करके और दोस्त को फैलाइए वीडियो को। आप ही के कुछ हैं। बाय बाय, चलते हैं। बाय बाय बच्चा बाटी।